दोस्तों, बालों का झड़ना एक आम समस्या है। हर दूसरा भारतीय जो है वो अपने बालों के झड़ने से परेशान है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बालों की जड़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जाती हैं, जिसकी वजह से उनके झड़ने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, हम बहुत सारे जो मल्टीविटामिन्स हैं उन्हें ट्राई करते हैं, बहुत सारे हेयर ऑयल्स को अपने सर में लगाते हैं, बहुत तरह के शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो प्रॉब्लम है उसे छुटकारा नहीं मिल पाता है। और इन सब का कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम अपने बालों की जड़ों को वो पोषण नहीं दे पा रहे हैं जिस पोषण की बेसिकली उनको ज़रूरत है। और जैसे ही हम उस पोषण को अपने बालों को देना शुरू करेंगे वैसे ही हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, जो बाल झड़ रहे थे वो झड़ना रुक जाएंगे, और जो बाल जा चुके थे जिसकी वजह से बालों में गंजापन आ गया था या बालों में पतलापन आ गया था वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 5 चीज़ों से मिलकर बनाए जाने वाले एक DIY हेयर ऑयल के बारे में, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये रेसिपी मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बता चुका हूं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और जब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि ये आपके साथ भी साझा ज़रूर करना चाहिए। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आता है सो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बालों के झड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और विशेषकर जो कारण होते हैं वो होते हैं पोषक तत्वों की कमी। आजकल मार्केट में जितने भी हेयर ऑयल्स मिलते हैं वो सारे के सारे ऐसे हेयर ऑयल्स होते हैं जो सिंथेटिक केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते या फिर ना के बराबर होते हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ पर आकर के हमारा हेयर फॉल होना शुरू होता है। अब इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है, तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो है सरसों का तेल। मुझे पता है कि जैसे ही मैं सरसों का तेल बोलूँगा आप में से बहुत सारे लोग जो है उनकी नाक चढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी होती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं, उनका स्वाद या उनकी सुगंध परमात्मा ने न जाने क्यों अच्छी नहीं बनाई है। जैसे करेला हमारे लिए बहुत अच्छा है लेकिन उसका स्वाद कड़वा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे खाते नहीं हैं। लेकिन सरसों का तेल, यकीन मानिए, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये आपके बालों को एसेंशियल फैटी एसिड्स देगा, बल्कि आपके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप इस तेल को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो उनकी पावर को भी 4 गुना कर देगा। सरसों के तेल के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत सारे नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यकीन मानिए कि अगर आपके शहर में, आपके घर के आसपास कहीं पर कच्ची घानी का अगर आपको सरसों का तेल मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपकी नज़रों के सामने निकाला जा रहा हो, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। लगभग 0.5 लीटर आपके सरसों का तेल लेना है। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें मिलाना है वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल जो है, जिसको हम चाइना रोज़ कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं, बहुत सारे नेचुरल फाइटो एंजाइम से भरपूर है, और ये नेचुरल फाइटो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, हमारे बालों की जड़ों के अंदर जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है उन्हें पूरा करने के लिए, जिसका असर हमारे बालों के झड़ने को रोकने के रूप में मिलता है, और इसके अलावा हमारे जो बाल हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बालों का घनापन है, बालों के अंदर जो पतलापन है वो कम होता है, और बाल जिस हिस्से से जा चुके थे वहाँ की फॉलिकल्स वापस से स्टिमुलेट होती हैं और उस जगह पर दोबारा से नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। गुड़हल के फूलों का पाउडर यूँ तो घर में भी बनाया जा सकता है, आप गुड़हल के फूलों को आराम से सुखाइए और सुखा करके आप उसे क्रश कर लीजिए और पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक गुड़हल के फूलों का पाउडर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से जा करके आप इसे ईजीली ले सकते हैं। 0.5 किलो सरसों के तेल के अंदर लगभग हमें 50 ग्राम पाउडर चाहिए होगा गुड़हल के फूलों का।
नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है 100 ग्राम दही। यही एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। दही जो है क्योंकि वो वाटर बेस्ड होती है, जैसे ही आप इस सरसों के तेल में डालोगे ये सरसों के तेल के अंदर जा करके पट 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 की आवाज़ करना शुरू कर देगी और आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ गलत कर दिया, लेकिन एक्चुअली आधे घंटे तक ही जब आवाज़ आएगी और दही जब पूरी तरीके से फट जाएगा और दही फटने के बाद उसके जो गुण आपके इस तेल के अंदर आएंगे वो इस तेल को नायाब बना देंगे। और ये नायाब तेल जब आप इस्तेमाल करोगे अपने बालों में हर हेयर फॉल को रोकने के लिए, डैंड्रफ को रोकने के लिए, बालों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो आप देखोगे आपको जादुई रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लगभग 100 ग्राम के आसपास दही हमें यहाँ पर लेना है और इसे बहुत धीरे से इस कढ़ाई के अंदर जो आपने तेल डाला है उसके अंदर मिला देना है। आप कोशिश ये करो कि पहले इन सारी चीज़ों को मिला लो कढ़ाई के अंदर और फिर उसे आंच पर रखो, ताकि आप जलते हुए तेल के अंदर ये दही ना डालो, ताकि छींटे लगने का जो खतरा है वो कम हो जाए। दही के अंदर बहुत सारे नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मिलता है, और इसके अलावा ये हमारे बालों के अंदर जो क्यूटिकल्स डैमेज हो जाती हैं जिनकी वजह से बालों में दुमुआपन आ जाता है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है, बालों में फ्लैकीनेस आ जाती है, उनको ख़त्म करने में भी ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर चार जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है दाना मेथी। हम सब जानते हैं कि जो दाना मेथी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव एक सीड है, एक बीज है जिसके अंदर बालों को पावर देने के लिए बहुत सारे गुण समाये हुए हैं। दाना मेथी को कूट लीजिए और कूट करके उसका एक दरदरा पाउडर बना लीजिए और इस दरदरे पाउडर को 100 ग्राम लेकर के आप इस तेल के अंदर मिला दीजिए और अच्छे से इसे गर्म होने दीजिए, जलने दीजिए। आप देखोगे जैसे जैसे ये जलता जा रहा है दाना मेथी का जो पाउडर है वो काला होता जाएगा और आपके दाना मेथी के जो गुण हैं वो इस तेल के अंदर आते जाएंगे और ये तेल आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए तैयार होता जाएगा। नंबर पाँच और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए ब्लैक सीड्स, जिसको कि हम कलौंजी कहते हैं। कलौंजी को आम भाषा में प्याज के बीज भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बालों को स्टिमुलेट करने के लिए, बालों के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और बालों के अंदर जो ग्रोथ रुक गई है उस ग्रोथ को तेज करने के लिए। लगभग 100 ग्राम के आसपास हमें यहाँ पे कलौंजी लेनी है, मतलब ब्लैक सीड लेना है। इन पाँचों चीज़ों को आप अच्छे से मिलाइए, अच्छे से मिलाकर अब आप एक लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको डालकर गैस पर चढ़ा दीजिए। आधे से लेकर के लगभग पौन घंटे तक, मतलब 30-45 मिनट्स तक आप इसे अच्छे से गर्म कर लिए। गर्म करने का मतलब एकदम लो फ्लेम पे आप रख करके इसको भूल जाइए। धीरे 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 जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं सब जल जाएंगे और जल करके अपने सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तेल को दे देंगे। अब जब आपको लगे कि सब जल करके काला हो चुका है, अब लगभग 2 दिन के लिए इस तेल को इसी कढ़ाई में पड़े रहने दीजिए। 2 दिन के बाद अब आप इस तेल को छानिए, छान करके एक कांच की बोतल में स्टोर करके रख लीजिए। जब आप इसे स्टोर करके रखें तो ये याद रखें इसे धूप से बचाना है आपको, क्योंकि जो धूप है उसके वजह से इसके अंदर जो गुण है वो एवेपोरेट हो सकते हैं। सो मेक श्योर धूप ना लगे, इसको किसी ऐसी ठंडी या फिर छांव वाली जगह पर रखें या फिर लकड़ी की अलमारी में रखें जहां पर आपको गर्मी का अनुभव भी नहीं होगा। इस तेल को हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप लगाइए और 2 या 3 बार रात को सोने से पहले लगाकर सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हेयर रिचुअल शैम्पू से अपने बालों को धोना चाहिए। स्किन अफेयर्स का ये हेयर रिचुअल शैम्पू जो है ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पोषक तत्वों की सप्लाई करके आपके बालों को कम करता है, आपके बालों के झड़ने की जो स्पीड है उसको रिड्यूस करता है। अच्छे से इस प्रोसेस को 3 से 4 महीने करें और आप देखें आपको क्या कुछ जादुई रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर देंगे। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सर्विता लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।